हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सब के भी देखिए। आज हम बिहार यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, उसका सेशन 22-24 के लिए बीएड फर्स्ट ईयर का वीवीआई क्वेश्चन लेके आए। देखिए, इससे पहले हम कोर्स वन जो आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप है उसका वीवीआई कर दिए हैं, जो नहीं देखेंगे देख लीजिएगा। और कोर्स टू आपका कंटेम्पोररी इंडियन एजुकेशन है उसका भी कर दिया। आज हम कोर्स थ्री जो आपका लर्निंग एंड टीचिंग है उसको लेकर आया, समझे। देखिए, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाएगा, इसीलिए आप पढ़ाई में लगे रहिए, समझे। मई लास्ट तक संभव हो कि आप लोग का एग्ज़ाम हो जाए, समझे। देखिए, किन्हीं लोग को नोट्स चाहिए सभी पेपर का, समझे, कोर्स वन से लेकर मेथड का, ईपीसी सब का, तो कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स मिल जाएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, 9576004401 पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं, कुछ पेमेंट करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि BRAVU बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर BEd फर्स्ट ईयर VVI क्वेश्चन 2023 सेशन हो गया 22-24, कोर्स थ्री हो गया लर्निंग एंड टीचिंग। देखिए, इसमें 5 यूनिट पूछा जाता है, 5 यूनिट में आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, समझे। प्रत्येक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन रहता है और प्रत्येक यूनिट से आपका एक एक प्रश्न का चयन करते हुए 5 प्रश्नों का जवाब देना है। फुल मार्क्स आपका होता है 80 नंबर का, एक क्वेश्चन 16 नंबर का होगा, 16×5=80, और इसमें टाइम आपको 3 आवर मिला जाएगा, 3 घंटा, समझ गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एकदम यूनिट वन में एकदम अधिगम से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इसलिए अधिगम को अच्छा से पढ़ के जाइए। इसका वीडियो वगैरह भी मिल जाएगा आपको, नहीं तो नोट्स लेना होगा तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9576004401 पर, कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स मिल जाएगा। तो वही है कि अधिगम की अवधारणा की विवेचना कीजिए और इसकी प्रकृति और प्रकार का वर्णन करें। डिस्कर्स अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, ऑल्सो डिस्क्राइब इट नेचर एंड टाइप, समझे। तो अधिगम की अवधारणा की विवेचना कीजिए और इसकी प्रकृति एवं प्रकार का वर्णन कीजिए। बहुत VVI क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है अधिगम के सिद्धांत से, समझे। दूसरा कौन क्वेश्चन आएगा आपका, अधिगम के सिद्धांत से आता है, तो या तो व्यवहारिक सिद्धांत से पूछे या आपका संज्ञानवादी सिद्धांत से पूछे। तो व्यवहारिक सिद्धांत में आपका थॉर्नडाइक का पूछ सकता है, थॉर्नडाइक का जो आपका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, या स्किनर का पूछ सकता है, क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत, समझे। तो दोनों देख लीजिएगा, या सूज का सिद्धांत देख लीजिएगा, गेस्टल्टवादी या संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक में। तो ये क्वेश्चन है कि अधिगम का कोई एक सिद्धांत का वर्णन करें या थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का। अधिगम का कोई सिद्धांत कहेगा तो आप थॉर्नडाइक का लिखिए, स्किनर का लिखिए या कोहलर का लिखिए, कोई फर्क नहीं। लेकिन वहाँ पर जब मेंशन कर देगा, नाम दे देगा, तो वहाँ आपको लिखना होगा, समझे। एक्स्ट्रा में है कि सूझ या अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट थ्योरी क्या है, लेकिन आज जो आपका चिंपैंजी पर प्रयोग किया गया था, समझे। तो एक क्वेश्चन देख लीजिएगा यूनिट वन में, एक अधिगम के मतलब अधिगम के बारे में और अधिगम के सिद्धांत से। दूसरा क्वेश्चन आता है यूनिट में अभिप्रेरणा के बारे में रहेगा यूनिट टू में, समझे। तो अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों तथा विशेषताओं को लिखिए। नहीं, व्हाट डू यू मीन बाई मोटिवेशन, डिस्कर्स द डिफरेंट टाइप्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। दूसरा चौथा क्वेश्चन है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक विस्मृति क्या है, और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि अधिगम का हस्तांतरण से आप क्या समझते हैं, समझ गए। बहुत VVI क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग देख लीजिएगा, समझे। तो इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग यूनिट थर्ड में, इसमें यूनिट टू में आप अभिप्रेरणा देख लीजिएगा, अधिगम को प्रभावित करने वाले विस्मृति यानी फॉरगेटिंग देख लीजिएगा, फिर अधिगम का हस्तांतरण देख लीजिए। आते हैं थर्ड में, करा शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करें। व्हाट डू यू मीन बाई टीचिंग इज डिफरेंट फेज। अगला है छठा कि शिक्षण एक नियोजित या जटिल या योजनाबद्ध गतिविधि है, वर्णन करें। टीचिंग इज ए प्लान एक्टिविटी, एक्सप्लेन इन योर वर्ड। अतः एक्स्ट्रा में प्रभावी शिक्षण से आप क्या समझते हैं, एक आदर्श शिक्षक या प्रभावशाली शिक्षक की क्या क्या विशेषता है। तो यूनिट थर्ड में इतना देख लीजिएगा। यूनिट फोर्थ में है कि पाठ योजना से आप क्या समझते हैं, इकाई योजना और पाठ योजना में क्या अंतर है। और चौथा है कि शिक्षक शिक्षण होगा या शिक्षण करने टीचिंग स्किल बोलते हैं, शिक्षक नहीं होगा या शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं, टीचिंग स्किल से आप क्या समझते हैं, समझ के वो देख लीजिएगा। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि शिक्षण के संसाधन, समझे, या शिक्षण सहायक सामग्री से या TLM दे दे या सर्वदृश्य सामग्री दे दे, समझे, सबका मतलब वही होता है, समझे। तो ये लिख दीजिएगा। आते हैं यूनिट फाइव में, लिखा है निम्न दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, कंप्यूटर प्रवर्धित अनुदेशन जिसे हम लोग CMI कहते हैं, या अभिकर्मित प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है, अभिकर्मित अनुदेशन या कक्षा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, तीन को में दो को आपको लिखना है। दसवां क्वेश्चन है कि आप कहाँ तक सहमत है कि शिक्षक एक प्रश्नदाता एवं माध्यमकर्ता होता है, विवेचना कीजिए, समझे। इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपका कोर्स टू का कोर्स थ्री का अच्छा एग्जाम चलेगा। और इसके बाद
इसके बाद हम कोर्स 4567 ऐसा का गेस कर देंगे, समझ गए। थैंक यू।